पहले क्या बाहर जाते थे हम लोग तो जाने जाने में भी समय लगता था, टाइम पे पहुंच नहीं पाते थे। और अभी क्या गांव में यहीं पे काम चल रहा है तो यहीं पे कर रहे हैं, वो पैसे खाते में आ जाते हैं। तो फायदा ये है कि कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता, और क्या है, पहले बाहर जाते थे, अब यहीं लोकल में ही काम चल रहा है। और मैं मुंबई में रहता था और वहाँ पे गाड़ी चलाता था, और मुंबई से आके ये लॉकडाउन में फंस गए थे मुंबई में, और मुंबई के बाद फिर यहाँ पे आए झारखंड में हजारीबाग गांव में। तो हजारीबाग के सरकार ने जैसे चलाया रोजगार, वो रोजगार में हम लोग को काम मिल रहा थोड़ा बहुत, अभी इससे भी गुजारा नहीं हो पा रहा है। अगर यही कुछ काम हम लोग को यही जो करते थे मुंबई में, यहाँ पे पैसा मिलेगा, यहीं पे काम मिलेगा, तो हम लोग फिर बाहर नहीं जाएंगे, यहीं पे काम करेंगे। इसके लिए हम सरकार से शुक्रगुजार कर रहे हैं। मैं पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे कार्यरत हूँ, और अभी हजारीबाग का जो चयन हुआ है उस पर मेरे को बहुत ही खुशी है कि अगर हमें यहाँ पर रोज़गार मिले तो। अब महाराष्ट्र में अभी कोरोना का संक्रमण बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, खास करके मुंबई और पुणे में, तो मेरे को अगर यहीं पे नौकरी मिलती है हमारे राज्य में ही तो मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं कहीं और दूसरी जगह माइग्रेट ना करूँ। मैं पहले मुंबई में रहता था और वहीं से लौटा हूँ मुंबई से ही, तो यहाँ पे अभी जो नरेगा का काम चल रहा है जिसमें मैं काम करता हूँ, और पहले मैं वहाँ पे स्टूडेंट भी था और वहाँ पे मेरी जॉब भी थी, मैं बीए था एक मॉल में। अगर वो जॉब मुझे यहाँ पे अगर गांव में मिले या फिर कहीं पे भी मेरे स्टेट में मिल जाए तो मुझे काफ़ी खुशी होगी और बेहतर फील भी होगी, ठीक है। और मैं यहीं रहता हूँ, और अभी तो ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि कहीं पे जाना, मतलब मुंबई में जाना दोबारा बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, और खौफ है कि अभी COVID-19 का समय चल रहा है और इससे सब जूझ रहे इस महामारी से, इसलिए हमें कहीं बाहर नहीं जा सकते। वो अगर जॉब हमें यहाँ पे मिल जाए, यहाँ पे अगर सरकार हमें वो जॉब देती है तो हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।